बहनों, अब भारत को देर नहीं करनी चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना होगा, रोड हो, रास्ते हो, रेल हो। लेकिन आने वाले दिनों में वाटर ग्रिड कैसे हो, नदियों को जोड़ने का काम कैसे हो, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर को बल कैसे दिया जाए, गैस ग्रिड कैसे हो, अगर गैस ग्रिड हो तो सिलेंडर के झगड़े बंद हो जाएंगे, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क क्यों ना हो, पूरा देश ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में क्यों ना किया जाए। हिंदुस्तान का इतना बड़ा विशाल समुद्री तट है, वहां पर एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर की विधा खड़ी करके विश्व व्यापार में हम अपनी जगह क्यों ना बना सके। भाइयों बहनों, हमारे पास इतनी बड़ी रेलवे है, दुर्भाग्य है मित्रों, देश में रेलवे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। यही रेल आप देखिए, जापान में जो बदलाव आया, क्यों आया, जापान ने बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट लाया और पूरे देश को खड़ा कर दिया, चाइना ने भी उसको फॉलो किया। हमारे पास इतना बड़ी लंबी रेल लाइन है लेकिन उसी आधुनिकता पर नहीं सोचा जा रहा है। रेलवे की अपनी 4 यूनिवर्सिटी क्यों ना हो देश में, जहां पर रेलवे को जिस प्रकार का मैन पावर चाहिए मैन पावर मिले, रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए जो रिसर्च होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, उसकी अपनी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो। भाइयों बहनों, सोच का सवाल है, विचार कोई करे, समय लगाए, देखें। भाइयों बहनों, आप कल्पना नहीं कर सकते रेलवे हिंदुस्तान की कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। आज का रेल का जो नेटवर्क है उसी को आधुनिक बनाए जाए तो हम हिंदुस्तान की विकास की यात्रा को एक नई गति दे सकते हैं। भाइयों बहनों, वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुष्क का निर्माण किया था, उस स्वर्णिम चतुष्क ने देश को दुनिया के अंदर एक जगह दे दी थी। भाइयों बहनों, समय की मांग है, 8-9 साल के बाद भारत की आजादी के 75 वर्ष होंगे, डायमंड जुबली का समय आएगा। क्या समय की मांग नहीं है कि हम अटल जी के उस सोच को और एक नया रंग रूप देकर के बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें, और जब देश 75 साल गोल्डन जुबली डायमंड जुबली मनाता हो तब देश को बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा करते हैं। आप देखिए, दुनिया नए सिरे से हिंदुस्तान को देखने लगेगी।